is irretrievably broken. Hence, the marriage between petitioner Malavika and the respondent Rajendra Verma, solemnized on May 14, 1983, is hereby dissolved by this decree of divorce pronounced in open court on the 21st day of December 1990. बिछड़े हुए माँ बाप के बारे में सोचकर 20 साल के बाद भी उनके दर्द भरी यादों में जी रहा है हमारे ये नौजवान डायरेक्टर। सुबह सुबह बहुत नॉस्टैल्जिक है क्या? लो। तुम्हारे लिए सब मजाक है। माँ बाप जब जुदा होते हैं, बच्चे का हालत कोई नहीं समझेंगे। दुनिया के सभी बच्चे के बारे में तुम जानते हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ जी रही हो उनके बारे में तो नहीं। तुम देखना, एक बंदे की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी शादी के बारे में, लेकिन दूसरे लोग उसी में ही घुसते हैं। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में बोल रहे क्या? ये देख कार्ती, तुम जितना सोच रही हो उतना लिबरल नहीं है वो लोग। लेकिन जब वो लोग तुम्हारे साथ जीने के लिए परमिशन दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो लोग तुम्हें ट्रस्ट कर रहा है। वो भरोसा टूटने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। लिविंग टुगेदर सब छोड़कर हम दोनों का शादी, यही उनका सपना है। फिलहाल हम मॉर्निंग वॉक के बाद शादी करते हैं। ये देख कार्ती, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तुम्हें याद है अगले महीने वो लोग यहाँ आ रहा है। सिर्फ एक महीना का छुट्टी है, यूके जाने के पहले ही शादी का प्लान है। तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या? हाँ, इवनिंग शिफ्ट है। करियर पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है ईरान जैसे कंट्रीज में भी लड़की लोग शादी कम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई और करियर में ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे लोग भी हैं उधर, लेकिन ऐसे लड़की लोगों को वो लोग शत्रु से भी खतरनाक समझते हैं। एलिजिबल बैचलर्स का नंबर बढ़ाना ये भी उतना अच्छा नहीं, मैंने सुना है। ऐसे लोगों को ही शादी की सख्त जरूरत होती है। ओ हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग। पुराने जमाने की लड़की लोग ये चाहते थे ना, मान्यता, सिंसियरिटी और अच्छी तरह से उनका देखभाल करना। लेकिन न्यू जन लड़की लोग ये चाहते हैं कि हस्बैंड उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन जाए। अगर सिर्फ वही चाहिए तो मेरे पास वो बहुत है। या राइट। मेरे जैसे एक सीधा साधा लड़की को एक शादी उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अहम बात होती है, ये तुम लोग क्यों नहीं समझते मुझे पता नहीं होता। एक साथ एक फैमिली बनाना वो अच्छी बात है ना। हेलो। मेरे प्यारे बच्चे, रणभूमि में जाते वक्त एक बार सोचो, समुद्र में जाते वक्त दो बार, और शादी से पहले तीन बार सोचना पड़ेगा। हे भैया। हाँ जी। आपका शादी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ सब बोल सकते हो, ठीक है? अगर कुछ सोच नहीं पा रहे तो शादी कर लेना तुरंत। लड्डू बिना खा के पछताने से बेहतर लड्डू खा के पछताने का। कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरे लिखा हुआ एक ड्रामा की डायलॉग है, ये सुन के स्टूडेंट्स कितना तालियां मारा पता है? तालियां बोले तो ढेर सारा तालियां। हाँ हाँ, वो मार खा के इनको चोट लगी। अरे भाभी जी, शादीशुदा सब कुंवारा बनने के लिए, और कुंवारा जो भी है सब शादीशुदा बनने के लिए गहरे मन के अंदर सब चाहता है, मालूम है? आपने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा? नहीं तो क्या, इसीलिए मैं शादी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ना आपके साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैमरामैन स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना है उनको? मेरे चैनल में तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसा कोई आदत नहीं है। क्या है कि रिलीज होने के डेट पर ही स्क्रिप्ट खत्म होती है, कई जन उसके बाद में भी बदलाव लाते हैं। एक सच बात बोलूं, मेरी 15 सालों की मूवी करियर में शूटिंग चालू होने से पहले सारा स्क्रिप्ट पढ़ने को पहले बार मिल रहा है, उसके लिए इनका मैं तारीफ करता हूँ। और कैसा लगा? कॉकटेल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड न्यू जनरेशन। ये पिक्चर और शादी एक जैसा है, ढंग से अगर एडिट नहीं किया तो कहानी बदल जाएगा। मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, बातें खत्म करके दौड़ते हैं। नहीं, जरूरी है क्या? वो एम्बुलेंस वाला सीक्वेंस यहाँ प्लान करते हैं।
पता है तुम्हारे मन में सिर्फ सिनेमा है। और तुम्हारे मन में सिर्फ प्यार। और फिर मैं डैडी मम्मी को क्या बोल दूं? पिक्चर करने के बाद। किसी को कोई पसंद आ गया तो हमारी खुशियां उनके तन के साथ जुड़ हो जाता है। हम बहुत चेंज हो जाते हैं, सिर्फ जिस्म की ख्वाब हो जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्यार, शादी और अभी जो बकते जा रहा है ना, ये फिलॉसफी, मेरे को इन सब में कोई विश्वास नहीं है। आपके जमाने में आदमी को दिखाने के लिए सिर्फ एक सच्चा इमोशन है, सेक्स। जीना का मैसेज है। चलने दो राज, आई नीड एन आंसर। यू श्योर दैट यू नीड मी इन योर लाइफ? बनाशा जो पहले बोला बोला नहीं। एक आदमी और औरत को अगर सजा देना है तो उनको गुलामी पे ढकेल दो, लेकिन शादी के लिए नहीं। इसीलिए ही वो आपको पसंद ही नहीं करते हैं। हाय सर, मैं सपना हूँ। हाय सपना, और फिर क्या हालचाल? जीना कहाँ है? प्लीज होल्ड कीजिए सर, इवनिंग का न्यूज अभी पूरा हुआ। ओके। आपका शूटिंग कैसे चल रहा है सर? अच्छे से जा रहा है, थैंक यू। मैं अभी उसे देती हूँ। तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ राज। क्या बात है, तुमने बहुत ही सीरियस मैसेज भेजा। उससे भी बुरा वाला भेजने वाली थी मैं। वो क्या है? Are you going to marry me or not? वो फिर क्यों नहीं सेंड किया? पहला फिल्म बनाने वाली फिल्म मेकर को वर्क के बीच में नहीं डिस्टर्ब करूंगी, ऐसा सोचा मैंने। शादी करनी चाहिए या नहीं? ओ मेरी जीना, तुम्हें पता है ना, इसी प्रश्न का जवाब ढूंढते ही मैं भी निकला हूँ। कादर और जमीले के जी से कितना अच्छा है उनका जिंदगी, हम भी वैसे जी सकते हो ना। सुनो जीना, जब हम किसी से प्यार करते हैं उनका सिर्फ अच्छी चीजें हम देखते हैं। किसी की अच्छाई से कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन एक पार्टनर की खामियां को और उसकी बुरी आदतों को एक्सेप्ट कर सकते हो, वही बड़ी बात है। मैंने ऐसे कुछ किया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ना। जीना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कुछ बातें हैं जब जनरली बोला जाता है उसको पर्सनली मत लेना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें चाहता हूँ। यू आर द बेस्ट आई कैन गेट। फिर क्या बात है? सिनेमा। ए, मैं उनसे मिला था, मेजर फेडरिक और उनकी बहुत ही सुंदर बीवी रीता। जो भी बात आपने उनके बारे में बोला था ये तो मैं कभी भूल नहीं सकती, है ना? उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में आपने जो बोला था, हाँ लड़का। तुम जिससे प्यार करते हो उससे कुछ भी बोल सकते हो। एक चुम्मा देने से वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन जिससे शादी करने वाले हो उससे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए।
जिस्म की भूख खत्म होने के बाद वो सब कुछ याद आती है। फिल्म के बारे में बताओ। रीता और मेजर, जिन लोगों से मैं मिला था वो सबसे खुश कपल थे, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही अब जिंदा है। वो दूसरे इंसान को ऐसे क्या हुआ होगा? क्रिसमस। हाय हाय, यहाँ कैसे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, हाय राज, व्हाट अ सरप्राइज। मेजर, आइए आइए, अंदर आइए। Ooh.
दो साल पहले की बात है। एक हॉलीडे टाइम पे समुद्र के पास वाली होटल 3 दिन तक मैं रुका था। ओके, नो प्रॉब्लम। प्लीज कम सर। मैडम सर, सॉरी आपको तकलीफ हो। इट्स ऑल राइट, प्लीज। आई एम मेजर फ्रेडरिक। हेलो। एंड दिस इज रीटा, प्लीज। Please. I'm Raj Karti. Sir. You 2 plates of... Season time पे यहाँ इतनी भीड़ है। दुनिया के बहुत जगह पे हमने जा चुके हैं, लेकिन इतनी बढ़िया एम्बियंस हमने कहीं नहीं देखा। By the way, Mr. Raj, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। नॉर्थ इंडिया में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है। मेरी एक डिप्लोमा फिल्म का लोकेशन स्काउटिंग में हूँ। बीच का एक बैकग्राउंड में ही कहानी होती है। Oh, great. So you're staying here for that? Yeah, but I will leave this place within 2 days time. Actually, मेरा कैमरा क्रू कैंप कर रहे हैं हाई रेंज में। एक्चुअल लोकेशन उधर है। That's wonderful. हम भी तो वहीं पर रहते हैं ना। टॉप में दारू सलाम, कभी कभार वीकेंड में ऐसे नीचे आता है। 2 hours ड्राइव। ओके। हैव इट। ओके राज, कीप माय कार्ड, जरूर घर पे आने का। ओके। नाइस टू मीट। नाइस मीटिंग यू टू। गुड नाइट। खाना खाना। कुछ दिनों में ही मेरी मुलाकात फिर से हुई। मेजर का ही एक प्रॉपर्टी में मुझे शूट करने के लिए परमिशन चाहिए था। मेजर ने भी खुशी खुशी परमिशन दिया। कैसा चल रहा है सब? So far so good. All the best. Thank you, Major. See you. शॉर्ट फिल्म की शूट खत्म करके पूना लौट जाने से पहले
मैं फिर से उनके घर गया था। मुझे उनसे शुक्रिया अदा करना था और उसके साथ ही रीता से भी मिलना चाहता था। हर वक्त आपका यहाँ स्वागत है, जब भी जी चाहे यहाँ चले आना। Okay. कोर्स कंप्लीट करके अगला प्लान क्या है? एक फिल्म करना चाहता हूँ मैं। That's excellent. All the very best, young man. Okay. Thank you. See you next time, Major. You know, there is a very nice dip in salsa. To say goodbye. Chalo, darling, let's do it. Why not? Please. Goodbye. That was so nice. thank you very much. वापस चलते वक्त मैंने सोच लिया था, यही नाम दारुसलाम, शांति का ही एक मकान दारुसलाम। आने के लिए बहुत जल्दबाजी था। बहुत अरसों के बाद समुद्र के पास आके एक होटल में ठहरा था। तुम्हें बहुत कुछ बदला ही दिखाई दे रहा है। रीता के सामने एक जवान और ताकतवर आदमी बनके रीता के सामने जाना चाहता था। Merry Christmas. Merry Christmas. Hi. यहाँ कैसे आना हुआ? What a pleasant surprise. Come. Come. Darling, come out. कौन आए देखो ना. Hi Raj. आइए आइए. Hi. ऊपर आइए. इधर बैठते हैं. Okay. Come. Yeah. आज खाना यहीं से खाते हैं. उसकी जरूरत नहीं है. Don't stand on ceremonies. Just call me Rita. Okay. Go ahead. I'll yeah. join you. All right. Dinner से पहले दो हो जाए, right? Thanks. मैं उतना पीता नहीं हूँ. Occasionally? कुछ कुछ parties में जाता हूँ, तब थोड़ा बहुत पी लेता हूँ. Glass हाथ में लगेगा और फिर थोड़ा सा पीता हूँ. That's good. That's good. That's very good. Then, cheers. Cheers. ये रास्कल कौन है मालूम है? हमारा बेटा है. ये सिर्फ एक ही औलाद है हमारा. इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा है. 5 साल हुए इनसे मिलके. कभी कभार हमें फोन करने के लिए हिचकिचाता है बहुत. उनके लिए कुछ भी खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन
वो साला एक नंबर का हरामी है। अपने डैडी की तरह। हाँ मेरे को बस थैंक्स। जब से हम यहाँ आया हम अकेले हैं। मेरा कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे और बनाने के लिए कोई इच्छा भी नहीं है। आओ प्लीज खाइए। हाँ थैंक यू थैंक्स। थैंक यू। हाँ आपको स्वीकार करने के लिए एक फैमिली तरस रहा है और यहाँ पे मैं कोई नहीं हूं और फिर भी एक गेस्ट बन के रह गया हूं। टू बी फ्रैंक मेजर, आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर इट्स रियली वेरी वंडरफुल। शादी के बाद ही मैंने सब जीता है। मेरे गांव से जब मैं बाहर निकला सबके लिए एक बड़ा दिलासा था। मेरे जाने का खबर सुनके सब खुश। भारत से बाहर विलायती सैनिक में काम करने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया। बरसों के बाद मैंने जब वापस आया, पुराने रिश्तों को जब मैंने खोजा, माँ के तैयार किया हुआ शादी में जब मैंने दूल्हा बन के आया, रीता को पहली बार मिला, जिंदगी वहीं से मेरा बदल गया। She is my lucky angel. ये रोज का आदत है, हर रात सोने से पहले एक छोटा सा गाना। का क्या ख्याल है? नहीं आया, वो नहीं आया, आएगा भी। चलो पहले मैंने सोचा था इधर नहीं आना है, यहां आऊंगा तो आपकी बीवी के बारे में मैं सोचता हूँ। बोलो, सुनते हैं, बोलो। रीता का गुजर जाना, दैट वाज अ शॉक। बहुत जन को। मेजर, रीता, वो एक फरिश्ता थी। जिनसे भी वो मिलती थी उनको सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटती थी, एक एक तारा की तरह उनकी जिंदगी पाला था। जी हाँ, बोलो। मेरी जिंदगी में मैं जिनसे भी मिला हूँ उनमें सबसे यादगार, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, एक संगीत की तरह वो मेरी मन में है। आपको शायद मालूम नहीं है मैंने क्या खोया। आपको नहीं मालूम,
लो, वहीं पे वो आराम कर रही है। Bloody the bitch. वहीं पर उनका इमारत बनाने का एकदम सन्नाटे में अकेलापन ढूंढ के जा रही थी वो हर वक्त। उनके लिए एक ताजमहल बनाऊंगा मैं, दुनिया में हर एक आदमी के साथ एक रात बिताने का तोहफा मैं उनको जरूर दूंगा। मेजर आप ऐसे मत बोलिए, शी वॉज लाइक एन एंजल। एंजल? काला पंख वाला फरिश्ता, उनका आखिरी चाहेदार। वो जब थी दारुसलाम जन्नत था दूसरों के लिए, लेकिन मेरे लिए जहन्नम था आज भी। उन्हें हजार बार मारने का मैंने सोचा था लेकिन नहीं हुआ, हर वक्त वही जीतती थी और अंत में मैं भी। पहली बार जब मैं इस घर से निकला था तो एक परिवार के बारे में एक सुंदर सा तस्वीर था, वो हर दिन मैं सपने में देखता था, दिल में रखता था, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं रहा और आंख भी भर आया। मेरी प्यारी जीना, मैं वापस जा रहा हूं तन्हाई के दुनिया में। जो माँ बाप डिवोर्स किया है उनके बच्चे वो डिवोर्स के साथ गुजरेंगे करके बोलते हैं। ये बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है, माँ और बाप अभी आएंगे, वो लोग पहले आकर पूछेंगे हमारे शादी के बारे में, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तू ही बोलना, मैं क्या बोलूँ? तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, वो समझेंगे। तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं खुद उन लोगों से वही बोल दूंगी। शादी शादी कानून से नहीं होना चाहिए, कभी कभी शादी फेल हो जाता है, इसलिए कानून से नहीं होना चाहिए। अगर होटल का खाने में जहर हो तो क्या करेंगे? चिल्लाकर होटल बंद करवा देंगे ना, इससे ही बहुत बड़ा मुश्किल है ये शादी वादी, मालूम है? बार बार करना पड़ता है कंट्री फेलोस। सुनो प्लीज। ओ डिस्टर्ब किया तो माफ करो, सॉरी सॉरी बहन, प्लीज डोंट फील बैड, सॉरी। जीना मैं असल में चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, इसी समुद्र के किनारे में 5 साल का एक बच्चा अकेला बैठा था, माँ बाप के सेपरेशन के बाद 20 साल तक वो अकेला ही था, वो मैंने भूला नहीं, उससे मुझे मोचित किया सिर्फ तुमने। मोहब्बत के बारे में भी मैंने तुमसे ही सीखा है, फिर भी मैं खुद कन्विंस करने में हार जाता हूं। होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी बंधन टूट जाने से पहले अगर हमने रियलाइज किया है। मैं जा रही हूं, मुझे उनको पिक करना है। जीना शूटिंग के लिए ऑल द बेस्ट, हमेशा तुम्हें अच्छे ही हो जाए। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ नाउ। गुड बाय। Oh, my God.
हीरो होता है। स्मार्ट, एक्टिव, ब्रिलियंट कहने वाले यही जाबाज है हमारे हीरो कार्तिक। देखिए वैसे कार्तिक नाम रखने के पीछे कोई खास वजह तो नहीं है, एक अच्छा सा नाम है, लेकिन अच्छा नाम है, दैट्स ऑल। और बाइक रेसिंग इनकी हॉबी है, हॉबी के बजाय पैशन कहे तो और भी बेहतर होगा। ये जो भीड़ देख रही है ना, ये दिल्ली रेसिंग की तैयारी कर रहे हैं। न्यू जनरेशन का एक रियल रिप्रेजेंटेटिव वो है कार्तिक। अब हीरोइन की ओर रुख करते हैं हम लोग। इंदुजा, नाम में शालिनता। नाम में शालीनता है मगर स्वभाव में वो नहीं है। वेरी बोल्ड, बबली एंड एनर्जेटिक, वरना कैंपस के बॉयज इन्हें घोड़ी करके पुकारेंगे क्या? अंधी है क्या? सिग्नल और ज़ेब्रा लाइन देखे बगैर गाड़ी चला रहे हो तुम? ओहो, सुनो, खुल चक्कर मारकर इल्जाम मुझ पे लगा रही हो? क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह गाड़ी नहीं चला रही थी। देखो, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मेरे हाथ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि गलती मैंने नहीं की है और ना ही स्पीड गाड़ी चला रहा था। इस तरह अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करे हो तुम? देखो, गलती हम दोनों की है, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। टक्कर देकर सफाई दे रहे हो, चल फुट यहाँ से। सुबह सुबह पैसे ऐंठने के लिए घर से निकल पड़ी है गाड़ी लेकर। प्रतिरोध करने वाली इस घोड़ी की पावर को आपने देख लिया ना, वो भी आंखों के सामने देखा। एक बेहतरीन सिंगर भी है ये, ब्लू चैनल के द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट जीतने वाली लकी विनर है ये इंदुजा। चलो बैठो। कई पॉजिटिव क्वालिटीज है इंदु में, मगर एक माइनस क्वालिटी भी है, वो है आंख मोन कर इंटरनेट के इश्तहारों पर विश्वास करना। थैंक यू दीदी। आहा, आज भी है इस बच्ची के हाथ में आइसक्रीम। ये तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी थी, मुझे देखकर कांप रही थी ये। इसी तरह आइसक्रीम खाती रहोगी ना तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम दादी माँ बन जाओगी। अरे जा, दांत को टूटने दो, अंकल जी तुम अपने बारे में सोचो। बहुत ही अच्छी बच्ची है। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी कब होने वाली है? अब मैं क्या करूँ बेटी, दहेज के लोभी ही रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, यहाँ वॉचमैन की नौकरी करके कितना कमा लूंगा मैं। हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटी, मैं जरा देख कर आता हूँ। माँ, चाय। पहले तुम बहुत अच्छी थी, आजकल ऑर्डर करने लगी हो। ऑर्डर चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मन किया तो घर में रुकना, नहीं तो बाहर जाना। मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती, बड़ी आई। ये लो पियो। क्या हुआ, आज तुम बहुत ही गुस्से में लग रही हो? मैं लेट आई इसलिए क्या, या फिर कार्तिक के साथ मेरा घूमना तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
तुम कार्तिक के साथ जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम दोनों के बीच मैं या उसके घर वाले दीवार नहीं है। सबकी वजह तुम्हारी जिद ही है। नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेती? तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करने में वो और उसके माता पिता सक्षम है, फिर क्यों नौकरी करना चाहती हो? अरे माँ, आजकल लड़की के पास नौकरी है तो ही हस्बैंड पीछे पीछे घूमेगा। देख, क्या इसी साल तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? बोलो। नौकरी मिल गई है, वो भी इसी साल में। कहाँ है पता है? मशहूर स्काई ब्लू चैनल में उन्होंने 1,00,000 रुपया डिपॉजिट किया है। सच बोल रही हो? मेरी सारी काबिलियत को देखने के बाद ही उन्होंने मुझे ये नौकरी ऑफर की है। अरे माँ, देखती रहना, मैं हिला कर रख दूंगी। हे ईश्वर। बेटी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, परंतु एक बात है, अभी वो जो स्कूटी यूज कर रही है वो उसकी खूबसूरती के सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई है। उस 1,00,000 रुपए में से वो एक अच्छी स्कूटी खरीदने वाली है, उसे तुम रोको मत, ये मेरा ऑर्डर है। हाँ रजीना। रचना, आ रही हूँ दादी। ठीक है, जल्दी आओ बेटी। हाँ, आजकल तुम यहाँ आती नहीं हो बेटी। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली है दादी। ये बात है। दक्षिणा, ये सब क्या है? आप आशीर्वाद दीजिए बस। हे ईश्वर, गरीबी और दुख से इसे सदा दूर रखो, यही दुआ मांगती हूँ तुमसे। हे ईश्वर, रक्षा करना। किस लिए तुम दादी माँ को मस्का लगा रही हो? रचना, इन पैसों पर भगवान कार्तिक का ही हक है, तुरंत भेज दो ना। दादी, जब मैं पोस्ट ऑफिस गई तो पता चला कि पोस्ट ऑफिस बंद है। कार्तिक भगवान बहुत ही दयालु हैं। बैंक अकाउंट है, कैश ट्रांसफर करा देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, जहाँ पोस्ट ऑफिस है मैं वहाँ जाकर मनी ऑर्डर करा दूंगी। अरे आप पैसे क्यों दे रहे हैं? ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मैं रख लूं क्या? हे ईश्वर, चलती हूँ। जी दादी। बता यार। ये रख लो, टेक्स्ट और गाइड खरीदने के लिए, पकड़ो ना। सच बताओ, तुम्हें कोई लॉटरी लगी है क्या? बहुत दया दिखा रही हो। आओ बता दे। चलो तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना एक नौकरी के बारे में नेट के जरिए मिली थी, उसका एडवांस मिला है मुझे। खैर, तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक एक नौकरी मिल गई। ये बता, तुम दोनों का प्लान क्या है? तुरंत शहनाई बजेगी? चुप कर, हद करती हो। अभी तो नौकरी मिली है, पहले पैरों पर तो खड़ी होने दो। अच्छा तुम आ रही हो? मैं एक सरप्राइज आइटम खरीदने जा रही हूँ। जरूर आती मैं, लेकिन दादी माँ अकेली जो है और माँ तंजौर गई है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस सरप्राइज की कीमत क्या है बोलो? यूं ही लगभग 50,000। अच्छा फिर सुनो, पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी जरूर ले लेना तुम। मान गई, तुम अक्लमंद तो हो, लेकिन स्कूटी के बारे में ऐसा वैसा मत बोलना, क्योंकि मैं वो तुम्हें देने वाली हूँ। पेट्रोल भरने के लिए हर महीने 1,000 रुपए अलाउंस दूंगी। देखो वो कैसे घूर रहा है। थोपड़े से लगता है मवाली है। Thank you.
वेलकम मैम। हेलो। ये लेटेस्ट मॉडल है 135cc। हाँ। वो ब्लैक वन? ये हमारी प्रेस्टीजियस मॉडल है मैम, 55,000। इंदु, जरा वहाँ देखो। I appreciate your color sense। हाँ। 100 किलोमीटर देती है। अच्छी मूवी है मार्केट में। अच्छी है ना? हाँ। क्या करूँ? ले लूँ क्या? बहुत ही खूबसूरत है ये स्कूटी। इस दाम में दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। बेशक टीवीएस है, हिम्मत से लो, कुछ और मत सोचना। देखो दादी अकेली है, तुम मामला निपटाने के बाद घर आ जाना। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। यही ले लेती हूँ। ओके ओके, ठीक है मैं फोन करता हूँ। साजन, इंदु, इतने दिन कहाँ थे? तुम्हारे साथ वो फिगर कौन है? मेरी शादी हो गई, वो मेरी लुगाई है। बड़ा आया, मैरिज, उस दिन गंगा उल्टी बहेगी। ओ सच बोल रहा हूँ, उसके गले में मंगलसूत्र देख रही हो ना? अरे रे, पहले भी मंगलसूत्र वाली के पीछे भागते थे तुम, टीचर को भी तुमने नहीं छोड़ा था। अरे अरे मेरी जान, जरा तुम इन तस्वीरों को देखो, मेरी शादी की ही फोटो है, देख लिया ना? हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? कुछ भी हो, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? क्या बताऊँ मैं, तुम जानती हो ना, पिछले 2 साल से मैं बेंगलोर में ही रह रहा हूँ। एक फ्रेंड की बात सुनकर व्हाट्सएप पे इससे दोस्ती हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हड्डी मेरे गले में पड़ जाएगी। ये माल मुझसे 10 साल बड़ी जो है। हाय। जानती हो, इसने मुझे मैसूर आने का न्योता दिया। कुछ पल के लिए मैं शाहरुख खान बन गया था। तब वो इतनी भद्दी नहीं थी, वो सुंदर थी। इसे देखते ही मेरा मन गाने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। फिर क्या, जबरन मेरी शादी करा दी, क्या बताऊं? और इसका बाप समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उसके जाल में फंस गया। इस बुढ़िया की फोटो नहीं देखी थी क्या? लव इज ब्लाइंड, इसने अपनी फोटो की जगह अपनी कजिन सिस्टर नगमा की फोटो व्हाट्सएप पे लगाई थी। क्या जालिम जवानी थी नगमा की, उस पे तो कोई भी फिसल कर गिर जाएगा। हाँ मैं भी फिसल गया। नो नगमा, ओके नगमा इज वेरी वेरी बैड। आई ओके, वेरी वेरी गुड, गुड ओके, भूल जाओ, मौके के अनुसार छोड़ देना सर। ओके, ऑल द बेस्ट। अब क्या बेस्ट? कम कम, अरे छोड़ो छोड़ो, आ रहा हूँ ना। ये क्या मैडम, आप तो बहुत ही गुस्से में हैं। तुम हटो, मुझे जाना। कम ऑन, इतनी भी जल्दी क्या, कुछ तो बात करो। ऐसे क्या बात करूं मैं, यहाँ से गए तुम्हें कितने दिन हो गए, तुमने फोन किया क्या, कोई मैसेज किया क्या? नहीं ना। अरे मेरी जाने मन सॉरी, मैं बिजी था, पता है ना तुम्हें। ऐसा है तो एक काम करो, फुल टाइम बाइक को अपने सीने से लगा कर रखना, जरा देखने दो मेरी तरह सुशील और रूपवती तुम्हें कहाँ से मिलती है। बाजू हटो। इंदु, इंदु। माँ, एक मैसेज आया है, स्काई ब्लू चैनल के लिए किसी का इंटरव्यू लेना ही मेरा पहला काम है। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ली तुमने। बेटी, पहले हम सुदीश के कर चुकाएंगे, सुनने में आया है कि वो यहीं पर है। वो सब चुकाएंगे माँ। तुम्हारे पिता को रूट कर गए 15 साल हो चुके हैं, उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारा एक नाम है, रहने के लिए फ्लैट है, और फिलहाल तुम नौकरी भी कर रही हो। ये सब बातें अभी क्यों कर रही हो माँ? बताती हूँ, काश कल अगर तुम्हारी माँ मर भी गई तो तुम्हें फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा। कहीं तुम्हारे डैडी वापस आ गए, तुम उन्हें अपनाओगी क्या? तुम्हें कहने के लिए और कुछ नहीं है क्या?
हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, आई एम श्रीधर आर पिल्ले। ईमेल में बताया था ना, प्रोग्राम डायरेक्टर। हाय सर। हाय, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, बात सुनो। परसों दिल्ली में बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड फंक्शन होने वाला है, और उस अवार्ड को लेने के लिए धनलक्ष्मी ग्रुप के राकेश मेनन वहाँ पर गए हैं। अगले दिन वो लौट के आएंगे और तुम्हारा पहला काम है उनकी इंटरव्यू पूरी तरह लेना होगा। मगर सर, सुना है कि मेनन सर बहुत ही बिजी आदमी है, क्या वो इंटरव्यू के लिए बहुत जल्द राजी होंगे? वहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हारी काबिलियत को परखने के बाद ही हमने डिसाइड किया है। और फिर बात करने का ढंग, नम्रता और मीठी आवाज में बोलोगी तो कोई भी फंस जाएगा। क्यों? इसके लिए मुझे वहाँ किसे कॉन्टेक्ट करना होगा सर? वहाँ एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, निवेदिता, वही सब कुछ देखती है। उसे मस्का लगाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय सर। किससे तुम प्यार से बातें कर रही थी? उस इंटरनेट प्रोग्राम के डायरेक्टर से। माँ, मैं किसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ पता है तुम्हें? किसका? द ग्रेट बिजनेसमैन राकेश मेनन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे के मुताबिक बिजनेस अवार्ड सम्मानित किया। बिजनेस भवन में आज शाम केंद्रीय व्यवसाय मंत्री ने सभी को अवार्ड दिया। सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन का अवार्ड श्री राकेश मेनन को सौंपा गया। मेनन के कई कंपनियों में से एक धनलक्ष्मी ग्रुप, जिसे सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेट्स। यू आर वेलकम। निवेदिता, प्लीज कम। यस सर। तीन दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आज बहुत ही बिजी रहूंगा। टुडे नो विजिटर्स अलाउड। यस सर। इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अर्जेंट फाइल हो तो मेरे पास भेज देना तुम। डन सर। एनीथिंग एल्स? सर, एक डिटेक्टिव एजेंसी की इनॉग्रेशन है आज। 12 बजे का समय है, 2-3 बार फोन भी आ चुका है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था इस फंक्शन के बारे में। मैं बोल देती हूँ कि आप तुरंत वहाँ जाने वाले हैं। I will come back within 1 hour. Okay sir. Come. Boss is very busy today. Divert all his calls to me, okay? Okay ma'am. Hello. निवेदिता मैडम हो ना? मेरा नाम इंदुजा है, मैं Sky Blue चैनल में काम करती हूँ। Hi इंदुजा, बोलो। You have a nice name. आपकी आवाज भी नाम जैसी है, बिल्कुल ट्विंकल जैसी है। आप डबिंग क्यों नहीं कर लेती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। खैर, किस लिए फोन किया है? लंबी उम्र के लिए ब्रह्मा को मस्का लगाना पड़ता है ना? आपकी मदद की जरूरत है। राकेश मेनन का इंटरव्यू लेने के लिए चैनल वालों ने मुझे अपॉइंट किया है। ओह सॉरी इंदुजा, पहली बात बॉस आकर चले भी गए हैं, एक उद्घाटन समारोह में गए हैं, और फिर 3 दिन यहाँ पर नहीं थे, इसलिए आज वो बहुत ही बिजी हैं। क्यों ना हम कल रखते हैं? आज कितना ही लेट क्यों ना हो, कोई बात नहीं। कैमरामैन, एक असिस्टेंट और मैं ही रहूँगी, कुल 3 लोग ही हैं। हम रिसेप्शन में वेट करेंगे। इस प्रकार बोलोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? सेंटिमेंट को वर्कआउट कराने के लिए दीदी बोल रही हो? अरे अरे नहीं, फोन से बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा अपनापन लग रहा है मुझे। मैं अपनी रिस्क पर तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। बॉस के यहाँ आते ही मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। बॉस के निकलने से पहले ही तुम उनका इंटरव्यू ले लेना। वो भी अगर वो परमिशन देंगे तो ही। हाँ, तुम नीचे लॉबी में वेट करना, और बुलाने से ही ऊपर आओगी। थैंक यू माई स्वीट दीदी, बाय, टेक केयर। ओके। Oh,
ब्लूटूथ पापचन यानी सजीव पापचन। यारी में ये जान भी लुटा देते हैं। इनके सहकर्मी हैं ये सब, जंबो, जिराफ, जॉन और फिर जैकी। जैकी का केयर टेकर चरण वर्मा। केवल बाथरूम में ही आप मिस्टर पापचन को विदाउट ब्लूटूथ देख सकते हैं। जब बेटा बीएसएफ में कमांडेंट थे तब इनके पापा के मन में ख्याल आया कि बेटे को एक आईपीएस ऑफिसर बनाना है। अंत में उनकी कमांडेंट की नौकरी भी चले गई और आईपीएस भी नहीं बन पाए। अचानक दूसरा ख्याल ये आया कि उन्हें मेजर बलवंत के समान एक डिटेक्टिव बनाना। वो सपना पूरा हो गया। देखो आ गए। अरे वो पहुंच गए। पहुंच गए। कैंची कहाँ? रेडी रेडी। वेलकम सर। सब रेडी है ना? एवरीथिंग रेडी सर, प्लीज कम। नमस्ते सर। मैंने सोचा कि क्राउड होगी। आई एम अगेंस्ट द क्राउड एंड पब्लिसिटी। वर्क इज अवर स्लोगन। गुड, आई अप्रिशिएट योर स्लोगन एंड मोटो। थैंक यू सर। मिस्टर सजीव पापचन, तुम्हारी इस एजेंसी को हमेशा कामयाबी मिले इस शुभकामना के साथ मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। All the best, Mr. Sajeev Papachan. Thank you, sir. Thank you very much. Oho, ये कमाल की घड़ी है। आइसक्रीम और बिस्कुट वगैरह नहीं है अंकल? वो सब है। तुम अंदर जल्दी जाओ, आइसक्रीम खाओ खाओ जाओ। ये सब मिलेगा बोल के यहाँ लाए हैं। अगले साल खिलाएंगे आइसक्रीम। जरा जल्दी आ जाना टाइम पे, नहीं तो ये मोटे अंकल सब अकेले ही खा जाएंगे। इनको मुफ्त में तेजाब भी दोगे तो पी जाएंगे। मतलब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है और आज बिजनेस मैग्नेट राकेश मेनन की इंटरव्यू लेने जा रही हो। अब हमको भूल जाओगी? याद कैसे रखूं भला? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? वो सब बाद में सोचेंगे। इंटरव्यू में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मेरी नौकरी पक्की होगी। पहले मेरी नौकरी तो पक्की होने दो, फिर शादी करेंगे। इंटरव्यू तुम हिला के रख दोगी। कुछ भी हो, उनकी सेक्रेटरी को तुमने पस्त कर दिया ना। मगर फिर भी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम हो रहा है। हेलो निविदा दीदी, मैं इंदु। मैंने पहले ही कहा था ना, आज सर बहुत ही बिजी हैं। आई अंडरस्टैंड दीदी, हम ऊपर आकर बैठते हैं, उनके फ्री होते ही हम उनसे मिल लेंगे। आखिर बांग्लादेशियों को जगह देने वाली बात हो गई। तुम लोग मुझे भी बाहर कर दोगे? हाँ खैर, जल्दी आ जाओ। कम टू 13th फ्लोर। मुझे पहचान लोगे ना? इतनी सुंदर आवाज की मलिका जरूर सुंदर होगी और उम्र 30 होगी। यहाँ तुम धोखा खा गई। आई एम 30+। पुलिस वाला भी धोखा खा जाता है दीदी। अच्छा हम लोग आ गए हैं। कम कम दीदी। हाँ 1 मिनट। ओके। टाइम हो रहा है। बस 10 मिनट। आज बॉस इंटरव्यू देके ही रहेंगे। ओके थैंक यू। देन कम। चलो। यो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। थैंक्स फॉर अलाउइंग अस फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एंड बिग थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय फेस। इसी चैनल के प्लेबैक सिंगर प्रोग्राम में मैं विनर थी। यस यस आई रिमेम्बर।
And you got the flat as well. Yes, you may start now. कुछ भी छुओ तो वो सोना बन जाता है, ऐसे ही एक इंसान की कहानी हम लोग सुन चुके हैं। लेकिन आज तक इन्होंने जो भी बिजनेस किया है उसमें केवल विजय हासिल करके हिंदुस्तान में स्वयं को बेस्ट बिजनेसमैन और बिजनेस के क्षेत्र में विजय का परचम लहराने वाले ये देखिए मिस्टर राकेश मेनन हमारे चैनल को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं। मेनन सर बताइए, ओके, इस बिजनेस साम्राज्य की स्थापना को लगभग कितने साल हो गए होंगे? यूं 20 साल तो हो गए होंगे। मेरा आखिरी सवाल, इस जीत के पीछे किसका हाथ होगा? माय फैमिली, स्पेशली माय वाइफ सुचित्रा और फिर मेरी कंपनी के सहयोगी देन वेल विशेस, इन सब की मदद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। राकेश जी के विजय के राज के बारे में आपने सुना ना? उन्हें और धनलक्ष्मी ग्रुप को, ऑफिस के कामकाज को देखने वाली निवेदिता मैडम को और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव दामोदर भाई को शुभकामनाएं देते हुए कैमरामैन अजय घोष के साथ आपकी अपनी इंदुजा। थैंक यू सर। एडिटेड कॉपी कल मैं आकर निवेदिता दीदी को दे दूंगी। टेलीकास्ट का टाइम बता दूंगी। ओके। एंड गुड नाइट स्मार्ट गर्ल एंड द क्रू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। Hi Gautam, how was your exams? Wonderful. Okay, okay, good. अच्छे फूल हैं सर। फूल तो अच्छे ही होंगे ना? चलो। ये बुके किसने दिए? सच कहूँ तो दिल्ली के अवार्ड से भी ज्यादा अहम मेरे लिए यही बुके है। और देने वाले हैं ऑफिस के सबसे सीनियर दामोदर भाई। जरा मुझे फ्रेश होने दो। चलो बेटा। हाँ, एक बात बताना भूल गया। आज इंटरव्यू के लिए चैनल से कुछ लोग आए थे। अवार्ड की खबर तो दो दिन पहले ही आ गई है। हाँ, ना? वो निवेदिता की जान पहचान की लड़की है। स्काई ब्लू टीम के कौन बनेगा सिंगर में जिसे फ्लैट मिला था ना, वही बची थी। इंदु, ए स्मार्ट यंग गर्ल। ओ, मुझे क्या बताऊँ मैं सुचित्रा, मैं ऑफिस में बहुत थका हुआ था तभी वो बच्ची आ गई। पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो का हाउस बच्ची को 2 मिनट के अंदर उसने मुझे चुस्त कर दिया। अगर ये बात है तो उसे ऑफिस में ही नौकरी देते, उसका फायदा आपको ही होगा ना। बहुत सो बाद में सोचेंगे। वैसे आज के प्रोग्राम से कंपनी को फायदा होगा, तुम उसे सेल्फ मार्केटिंग भी कह सकती हो। सच कहूँ तो ये तो गणपति बप्पा का कमाल है, उनकी शक्ति से वाकिफ हो गए ना। अवार्ड भी दिलाया। समझ गया डियर। दिन में बिना परमिशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। सिर्फ इस ग्रुप की नहीं, अगर आप यूएन सेक्रेटरी भी बन गई तो कोई बात नहीं। पता क्यों? अगर मैंने परमिशन मांगी तो आप मना नहीं करेंगी, फिर किस लिए टाइम बर्बाद कर रही हैं? ओके, आज भी बॉस को तंग करने का प्लान है? अरे मेरी प्यारी दीदी, कल जो इंटरव्यू किया था ना उसकी एडिटेड कॉपी देने आई हूँ। लीजिए ये बॉस की कॉपी। ये आपकी कॉपी। टेलीकास्ट से पहले इसे सर्कुलेट करके मुझे बदनाम मत करना।
ओह, इतनी बोरिंग है क्या ये? अरे नहीं नहीं, इसे आप देख सकती हैं दीदी। फिर बोलना, इस छोटी बहन का काम कैसा रहा? अभी टाइम नहीं है, बॉस आने वाले हैं। मैं घर जाकर देखती हूँ। खैर ओके दीदी, मैं चलती हूँ। देख के फोन करना। बाय। बाय। हाँ, कम ऑन। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, सीडी लाने के लिए बोला है। हाँ, वो बच्ची बॉस को कहाँ मिली थी? हाँ, लिफ्ट से आते समय बॉस ने उसे देखा और उस बच्ची ने कहा कि उसकी सीडी यहाँ जो है, सीडी लाने के लिए बॉस ने जो बोला। ओ, अच्छी हाँ। बात है। अच्छा, बॉस के साथ ये नया अवतार कौन है? हाँ, बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली रक्षक। बॉस के लिए नियुक्त नया बॉडीगार्ड। सर, प्रोग्राम में बाद में देख लूंगा। वैसे फीडबैक कैसी रही? चैनल के सभी लोगों को बहुत पसंद आया, उस कारण मुझे एक नया काम सौंपा है। क्या? और शूटिंग? नहीं, और नहीं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इंडिया के नंबर वन बिजनेसमैन हो, आपका एक दिन कैसा है उसी पर निर्धारित है ये प्रोग्राम। वैसे साथ साथ चैनल का कैमरा भी चलता रहेगा, एक दिन में ही शूट कर लेंगे और एक घंटे का प्रोग्राम चैनल में दिखाएंगे। कहीं मेरी छवि को बिगाड़ दी तो? नॉट एट ऑल सर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना होगा मुझे। अच्छा, ये लो कार्ड, दो दिन के बाद बुलाना। मगर फैसला पॉजिटिव होना चाहिए प्लीज। सोचने दो, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई डोंट डिसअपॉइंट। थैंक यू सर। बताओ। क्या बताऊँ मैं? अच्छा छोड़, चलो मेरे साथ, तुम मेरे फ्लैट चलो। अरे मैं नहीं आऊंगी, तेरी माँ ऐसे घूरती है जैसे एक्सरे ले रही हो, शर्म से लाल हो जाऊंगी मैं। हाँ, हाय आंटी, मैं मदद करूँ? नॉट एट ऑल, ये बोझ तो मैं उठा लूंगी। आंटी, अमलू से कहना कि मैंने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में क्यों, क्या बात है? पता है, परचेसिंग के बीच पिज़्ज़ा की डिमांड कर रही थी वो। और मेरे पास समय की जो कमी थी। कोई बात नहीं, मैंने भी पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर दिया है, एक उसको दे दूंगी। हाँ, तुमने उसे बिगाड़ के रख दिया इंदु। बिगाड़ा? मुझसे अच्छी लड़की आपको कहीं मिलेगी क्या? मेरे लिए ये सब खरीदने के लिए आप ही लोग हैं ना। तो फिर मैं? तू तो मेरी सब कुछ है जानीमन। तुम लोग बात करो। हाँ। चलिए। परचेस वगैरह उनके हस्बैंड क्यों नहीं करते? समझ जाना, सबके सब भूखे मर जाएंगे, वो मदद भी नहीं करते हैं। उन्हें साइबर सेक्स और ऑनलाइन गैम्बलिंग ही पसंद है। I'm a baby girl,
इमेजिनेशन फ्लैट बस गया क्या बा है? पहुंचते बताना। बाइक को कंट्रोल करना सीखो। ओके ओके यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। ओके केयरफुली। बाय सी यू अगेन। दारू की बोतल में सब पानी माइकल दारू पी के धंधा कर। हेलो इंदू हाउ आर यू? फाइन अंकल। हाल ही में टीवी में तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा मैंने, ना भूल गया, लवर्स कॉर्नर। लवर्स कॉर्नर इट्स रियली वेरी गुड यार। फैंटास्टिक, सुपर, वंडरफुल। यू परफॉर्म वेरी वेल। हाँ, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। कोई नया प्रोग्राम है क्या? हाँ, वो तो प्लान कर रही हूँ। हाँ, तुरंत ही होगा। इट्स गुड गुड। अभी आंटी ऊपर गई हैं। पहुंच गई वो डायन। अंकल जरा मिलजुल के परचेस करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना? आई एम रेडी टू टेक हर, बट बेटी वो नहीं आने वाली। वो मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं आने वाली। यही तो प्रॉब्लम है ना? उफ़, बाहर की बात नहीं कर रही थी मैं। ये जो घर के सामान है वो यानी चावल मिर्ची साबुदाना कद्दू, यही मतलब है ना? ये सब उसका काम है। This is none of my business, okay? ऐसे भी सासू माँ है उसके साथ मदद के लिए। Look, Hindu, I don't expect such silly questions from you. You, okay? Don't repeat it. दारू की बोतल में साहब बने पड़ता है। कैसा है मेरा पड़ोसी? मान गई मैं उनकी धर्म पत्नी और उनकी बच्ची को। हम उस फैमिली की हेल्प कैसे करें? इस तरह के आदमी को सिर्फ मार की जरूरत है। उनकी हॉबी क्या है पता है? आंटी के गैर हाजिरी में उनके फेसबुक को चेक करते हैं और फिर गाली देते हैं। महीनों से दोनों में बोलचाल नहीं है। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, प्रोग्राम कैसा था बताओ? ग्रेट, हमने जो सुना था उससे भी बढ़कर है उनकी पर्सनालिटी। गुड इवनिंग इंदू। वेरी गुड इवनिंग सर। उस वन डे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है? बेशक है। आपके एग्री होने के बाद ही मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को बताया। तो फिर एक और बात उनसे कह देना तुम, कि आगे से उनके लिए कभी तुम काम नहीं करोगी। एंड यू आर जॉइनिंग माय कंपनी। व्हाट? ये भला कैसे हो सकता है सर? इस बारे में आपने मुझे कोई खबर भी नहीं की। ये क्या, चैनल के साथ लीगल एग्रीमेंट है क्या तुम्हारा, या फिर कोई फाइनेंस डीलिंग? सो तो है सर, उन्होंने मुझे 1,00,000 एडवांस दिया है। ओह, फॉरगेट अबाउट इट, वो कल ही तुम लौटा देना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। मुझे जरा सोचना होगा सर। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दुबई से एक ऑफर आया है। दुबई से? उससे भी ज्यादा सैलरी अगर मैं तुम्हें दूं तो फिर तुम कभी दुबई नहीं जाओगी ना सर? वो अगर तुम्हें ओके है तो कल ही अपॉइंटमेंट लेटर घर भिजवा दूंगा मैं। And your salary will be 75,000 monthly. 7 साल काम करने के बाद भी निवेदिता की सैलरी 50,000 ही है। Accept sir. ओके इंदु, प्लीज फॉरवर्ड योर बायो डाटा टू माय मेल आईडी। ओके ठीक है सर। बाय इंदु, गुड नाइट। गुड नाइट।
सर फोन। हाँ यस इंदु। सर आई हैव अ प्रॉब्लम, चैनल ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी सर। व्हाई? तुमने मुझसे कहा था कि मेनन मान गए हैं, फिर अब क्या हुआ? इट्स ट्रू सर, मगर मेनन साहब बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। ये भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तुम्हारी पूरी पेमेंट मिल चुकी है। मैंने जो एडवांस लिया है उसे मेनन सर रीपे कर देंगे। वो सब ठीक नहीं होगा। सुनो, हम तुम्हें रख के बहुत सारे प्रोग्राम प्लान किए हैं। अब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो हमें क्या फायदा होगा? प्लीज सर, प्लीज। मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। हाँ ओके, बट तुम्हारी ओर से हमें और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपके कहने का मतलब क्या है? इज देयर एनी फाउल प्ले? प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भूल जाइए। फॉल प्ले? नॉट एट ऑल। तुम धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर रही हो और हमारी पहली की डीलिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, और फिर तुम्हें जो पेमेंट दी थी, हाँ उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बदले में हम तुम्हें जो भी काम देंगे वो करना होगा और उसका फल भी मिलेगा तुम्हें। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हाँ नरेंद्र, क्या है आजकल कुछ ज्यादा ही गाने गा रहे हो? अरे मैम साहब, मैं सर को घर छोड़कर आ रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी मीटिंग होने वाली है, या सुनते ही मैं भागे चला आया। विदाउट नोटिफिकेशन एंड इंटरव्यू किसी अपॉइंट किया है इस ग्रुप में बताओ तो? आज तक नहीं हुआ लेकिन आगे होने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। ओ तुम्हें पूरा भरोसा है, बहुत खूब। कौन है वो कैंडिडेट जिसकी पहुँच इतनी ऊपर है? मैं क्यों बताऊं मैडम, खुद अपने आंखों से आप देखने वाली हैं ये सब। हाँ तुम पास आए यूं मुस्कुराए। प्रोजेक्ट रेडी। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मेरे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 बजे होते ही नरेंद्र को मेरे घर भेज देना। हाँ एक और बात, तुरंत एक अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। डिटेल सब मेल में है, जीवन से साइन लेके उसे कंसेंट पार्टी तक पहुंचाना भी है। ओके ओके सर। मतलब यही है कैंडिडेट? इसे जानता हूं मैं, ये शेरनी है। हेलो इंदु। ये हाय इंदु, हैप्पी हो ना? ये भी कोई बात हुई? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल। तो फिर कल से ही ज्वाइन कर लो, मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर, आई विल बी देयर। बाय। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी आज से मैं मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी का चार्ज ले रही हूँ, पता है? खूब, जिसने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करके भेजा उसी से ये कह रही हो। दीदी जानती हो, दुबई के एक अच्छे से ऑफर को छोड़कर ही इस जॉब को एक्सेप्ट किया है, वो भी मेनन सर के कहने पर। मैं तुम्हें मान गई इंदु, बहुत ही कम समय में आज तुमने ऐसे रेप्यूटेड कंपनी में काम जो पा लिया है। इंदु मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ सॉरी दीदी, मैंने सोचा था कि मेरे आने से आप बहुत खुश हो जाएंगी, बट
ओके ओके सर ओके इंदु लेट अस स्टार्ट श्योर सर डिस्कशन हो रही है भयंकर डिस्कशन बिजनेस सेंटर जरूर हड़बड़ी में गड़बड़ी है इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो कहीं पागल तो नहीं हो गए मैं नहीं लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोग पागल हो गए साहब साहब बताओ ना तुम्हें मेनन साहब के यहाँ काम करते कितने साल हो गए यूं ही 15-20 साल हो गए होंगे साहब आदमी कैसा है क्या मतलब अरे मेरे भैया मेनन साहब उस मामले में कैसा है अरे उस मामले में जवान को लगाम दो तरट ओ वो लंगोट का कच्चा है मेनन साहब ने जिसे अपॉइंट किया वो इंदुजा इतनी जल्दी बाजी करके उस बच्ची को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी जरा वो सोच के देखो जरूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है अरे कैसी गड़बड़ी बताओ तो अभी जब मैं साहब के कमरे में फाइल लेकर गया तब वो लड़की और साहब दोनों हुआ मेरे प्यारे भैया आपकी कसम मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है चलिए मैं बताता हूँ ऑफिस में सब लोग इसी की चर्चा कर रहे किस बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो इसलिए ये गोपनीय बात मैं आपको बता रहा हूँ अब आगे आपकी मर्जी है भैया अरे चमन मंगल ग्रह गए हो कौन सा स्टेशन अरे है? वही लाल ग्रह में नहीं तो अरे तुमने जो अभी कहा उसकी खबर कहीं साहब को जो लग गई तो तुम्हें मंगलयान में बैठा के मंगल ग्रह पे भेज देंगे उसके बाद बुध में भेज देंगे और फिर गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन बाद ही वापस आ पाओगे तुम और वापस आओगे तो तुम्हारा कुंडा निकल गया होगा अरे मेरा कुंडा निकलने से बचाइए मुझे मेरे भैया मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और आपने कुछ भी नहीं सुना अरे चमनवा ये सच है कि तुमने कुछ नहीं बोला लेकिन सब कुछ मैंने सुन लिया भैया चल 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 भग 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 अगर इसकी मैं बात सुनी होती तो मैं फिसल गया होता बुड़बक कहीं का और फिर माँ ने आपको धन्यवाद बोला है क्यों बोला अगर आपने ये मुझे जॉब ऑफर नहीं की होती तो मैं माँ को अकेला छोड़कर दुबई चली जाती नहीं इंदु तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम यहाँ तक पहुँच गई यू डिजर्व इट कंपनी की तरक्की ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सैलरी भी बढ़ेगी थैंक यू सर वेलकम ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं ख्वाब तो नहीं है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वो कुछ गणित कर रही है उसकी आंखों से पता चलता है सही कहा हमारे बॉस भी उसकी जान में फंस गए हैं यही सोचकर दुख हो रहा है मुझे उसका कारण तुम ही हो शूटिंग के बहाने उसका परिचय तुम्ही ने तो बात से करवाया था और अपने पैरों पे गुल्हाड़ी मार दी अच्छा शूटिंग खत्म हुए 5-6 दिन हो गए ना हाँ हो गया और टेलीकास्ट का टाइम हो गया ना हाँ एक काम करो जरा चैनल वालों से पूछो हाँ आया मैं आता हूँ कनेक्ट मी टू द न्यूज एडिटर प्लीज ओके देन कनेक्ट मी टू द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द न्यूज एडिटर हेलो गुड आफ्टरनून न्यूज एडिटर सॉरी मैडम इंदु नाम का कोई रिपोर्टर हमारे चैनल में नहीं है Neither reporter nor comparer. I am extremely sorry, madam. राकेश मेनन के यहाँ मैंने किसी को नहीं भेजा सच बोल रहा हूँ मैडम I swear. I think somebody cheated you. हाँ हो गया चैनल वालों ने किसी को भी इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा है तुम्हारी माँ कैसी है सुदीश वो ठीक है आंटी चलने में थोड़ी परेशानी है इंदु हमेशा लेट आती है क्या अभी नौकरी लगी है ना टाइम तो होगा अच्छा दुबई वापस कब जा रहे हो तुम अभी तो कुछ सोचा नहीं आंटी यहीं पे कुछ धंधा करने का प्लान कर रहा हूँ अभी आई मैं
हेलो, हाँ बोलो ना। नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, उसके आने में समय लगेगा, बोलो। और उसके बारे में कह नहीं सकती, मैं जरूर आऊंगी। आंटी। ओ मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। हाँ उफ, हाँ अब बता। Take care. Good night. Good night. रात को मैं चेक करके सुबह रिपोर्ट दे दूंगी। अच्छी तरह चेक करने के बाद मुझे बुलाना। Yes, sir. Okay? Okay. Good night. रुक जाओ, क्या टाइम हुआ है पता है? तुम एक जवान लड़की हो, ये मत भूलना। कितनी देर तुम उससे बातें कर रही थी? माँ, वो राकेश मेनन सर थे, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। ऑफिस के कुछ जरूरी काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तेरे डैडी के जाने के बाद तुम्हें ऐसा पाला पोसा किसी को कहने का मौका नहीं दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। माँ, मैं राकेश मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, अब मुझे कभी कभी उनके साथ आउटिंग में भी जाना होगा और घर आने में समय भी लगेगा। मैंने सोचा था आप में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा। इस तरह से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मुझे बुलाया है क्या? मुझे ऑफिस जाना है। ऐसे कुछ बोलने वाला जो तुम्हें पसंद नहीं है। कल दिल्ली से एक कॉल थी। रेस के सिलसिले में ना, तुम उस रेस में जाओगे तो तुम्हें गम नहीं है क्या? अगर है कहूँ तो है, कुछ दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा ना। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, बट यू शुड कॉल मी एवरी डे। डन। बिजनेस से संबंधित असाइनमेंट देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू सर। बॉम्बे बेस्ड आयुर कंपनी की स्टेबिलिटी और लेवलिटी के बारे में जांच करनी होगी। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी एंड लोकेशन। और एक हफ्ते के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स यहीं पे मिलेंगी, बस है ना? आई अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विगर मिस्टर सजीव पापाचन। कंपनी का नाम और पता यहाँ के लीगल सेक्शन से आप ले सकते हैं। देन आई शैल मेक अ मूव। सी यू सर विद द डिटेल्स। ओके, टेक केयर। सर, इंदु के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। निवेदिता, तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। वेर इज इंदुजा? टेल हर टू गेट रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आई एम रेडी सर, शैल वी मूव? ओके फाइन।
कल के हियरिंग के बाद ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारे रहने के लिए आवास का प्रबंध किया है। जी सर। ओके चलो सर। वेलकम सर। माय कीज प्लीज। वन मिनट। भैया योर की सर। थैंक यू। कम इन दो। पहली बार घर से दूर रह रही हूँ सर। अब तुम्हें अक्सर मेरे साथ रहना होगा इंदु। हाँ। एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्या काम है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ ये तुम्हारा सूट एंड की। रात का खाना तुम्हें रूम में ही मिलेगा। गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। ओके सर। टेक केयर सर। दिस वे। ओके सुची। हाँ जी। टेंशन मत लेना आप। एक खास बात बताने के लिए मैंने फोन किया। आज सुबह पेपर के साथ साथ एक कवर भी मिला। उसमें आपके और इंदु के बेडरूम के अश्लील फोटोस थे। क्या? It should be fake। वो सच नहीं है। तुम मुझे वो भेज देना। जी अच्छा। देखी सुची, मगर ये फेक है। हो सकता है। मुझे आपके सेक्रेटरी इंदु पे शक है। जरा आप उसे धमका के देखिए। गुड मॉर्निंग सर। आज की मॉर्निंग गुड नहीं है। क्या ये? हाँ? सर क्या है ये? यही मैं भी पूछ रहा हूँ। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? डिनर के बाद मैं रूम में आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। इसके पीछे कोई भी हो मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। गेट रेडी नाउ एंड वन मोर थिंग। आई डोंट वांट योर सर्विस एनीमोर। ओके। जिस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं है उसके साथ मैं भी काम नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये फोटोस आपसे ज्यादा बदनाम तो मुझे करने वाली हैं, इसलिए इसके पीछे किसका हाथ है ये जानकर ही रहूंगी मैं। उस चमन लाल ने जो कुछ भी कहा ऐसा लग रहा है वो सच ही था। ये दोनों कहीं चुपके से खिचड़ी तो नहीं पका रहे? छह चाहे कुछ भी पकाए दोनों। आजम खान ने मोदी जी पे निशाना साधा। वहीं रुक जा। क्या है ये? ये सब आंखों का धोखा है माँ। तो ये झूठ है? कल रात तुम दोनों कहाँ थे? एक रिसोर्ट में थे। तो ये सब सच नहीं है? 100% झूठ है माँ। हो इसलिए बोल रही हूँ। ध्यान से सुनो, अगर कोई अक्लमंद लड़की किसी मर्द से बात करती है तो उस लड़की का चरित्र ही खराब हो जाता है। आपको अब भी शक है क्या? तुम पर विश्वास है मुझे, मगर
तुम्हें बदनाम करने वाले उस मेनन से आज ही मैं मिलके रहूंगी। गिरे बांध पकड़ के पूछूंगी, ऐसा क्यों किया तुमने? माँ ऐसा मत करो माँ। मुंह बंद कर, क्या करना है मुझे पता है।